गाइस कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो एक छोटी सी कह सकते हैं स्टोरी है, जिसमें एक लोमड़ी थी। लोमड़ी बहुत ही भरसक प्रयास कर रही थी कि उसको खाना मिल जाए और वो जंगल में सर्वाइव कर सके। वो दिन रात मेहनत करती थी, सोचती थी कि काश उसको कोई भी ऐसा चीज़ मिल जाए जिसे वो खा ले और खा के अपना पेट भर ले, ताकि वो जंगल में सर्वाइव कर सके। लेकिन भरसक प्रयास करने के बाद भी वो फेल हो जाती थी। अब उस लोमड़ी को कुछ ना सूझा तो कई सारे लोगों ने कहा कि यार, अगर तुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, कई सारे जंगल के जो जानवर थे उन्होंने कहा कि तुझे कुछ नहीं पता चल रहा है तो तू जो है शेर के पास जा। शेर जो है बहुत आसानी से शिकार कर लेता है और वो तुमको बता देगा कि कैसे शिकार करना है और कैसे जो है तुम अपने फूड को, या अपने जो कह सकते हैं कि तुम्हारे पास फूड रिसोर्सेज की जो कमी है उसको तुम कैसे पूरा कर सकते हो। उस लोमड़ी ने उन सभी की बात मानी और वो शेर के पास चली गई। शेर के पास जाने के बाद उसने शेर से पूछा कि आखिर शेर, ये बताओ कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या तरीका है जिससे तुम ये ऐसा कर पाते हो। तो शेर ने कहा, देखो यार, मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, तो मैं बहुत ही शार्प तरीके से, बहुत ही झपट के या बहुत ही तेज़ी से अपने शिकार पर अटैक करता हूँ और उनको दबोच लेता हूँ और उनको मार के खा जाता हूँ। तो लोमड़ी ने कहा ठीक है। लोमड़ी ने ऐसे ही तरीके से एक बार एक हाथी पे अटैक करने की कोशिश करी, उसी तरीके से तेजी और स्फूर्ति के साथ किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर वो परेशान हो गई, फिर वो जंगल के कुछ लोगों से मिली और कहने लगी कि यार, मेरे को फिर से जो है मैं शिकार नहीं ढूंढ पा रही हूँ, मुझे मदद करो। तो कुछ लोगों ने कहा, यार सार्क के पास चली जा, सार्क बहुत अच्छा शिकार करता है। तो लोमड़ी शार्क से पूछने गई कि आखिर ये ऐसा कैसे कर पाता। शार्क कहता, देखो मैं तो शिकार पानी में करता हूँ, तुम लोग बाहर रहते हो, अगर तुम्हें पानी में शिकार करना है तो तुम्हें तैरने आना चाहिए और मैं ऐसे तैरता हूँ और जो छोटी मछली आती है मैं उसको खा जाता हूँ। लोमड़ी जो है तैरने की कोशिश तो करी, लेकिन वो उतनी अच्छी तरीके से तैर नहीं पाई। फिर से वो निराश वापस लौटी अपने दोस्तों के पास। फिर से उसने बोला कि यार, मैं फिर से जो है अपने शिकार को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तो उसके दोस्तों ने कहा कि यार, तू बंदर से क्यों नहीं बात करती, बंदर आसानी से कूदता फाँदता, देखो कितनी आसानी से जो है वो किसी से भी कोई भी फल ले आता है, तुम भी कोशिश करो तुम्हें मिल जाएगा। बंदर कहता है कि तुम्हें पेड़ों पर कूदना आता है। तो वो लोमड़ी कहती नहीं। तो बंदर कहता है, फिर तो तुमसे नहीं हो पाएगा। आखिर में वो लोमड़ी निराश हो जाती है और इसी तरह भटकते भटकते उसकी जान चली जाती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, आखिर ये स्टोरी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि अभी जो कंडीशन हुआ है, CSIR कई लोगों ने क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन मैक्स कहते हैं कि उस 60,000 लोगों में जिन्होंने अपीयर हुआ था, उसमें से ऑलमोस्ट 2-3,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। बाकी कहाँ गए, प्रिपरेशन करेंगे अगेन। कुछ लोग छोड़ देंगे तैयारी, लेकिन मैक्सिमम लोग प्रिपरेशन करेंगे। 2-3,000 का सिलेक्शन हुआ, 10,000 ने छोड़ दिया, 40,000 दोबारा से प्रिपरेशन के लिए लग जाएंगे। अब कहानी क्या बनती है जनाब, कि जो प्रिपरेशन में लगेंगे वो लोग अभी भटकेंगे कि इस टॉपर का जो वीडियो आ रहा है, इसने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, उस टॉपर ने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, इस टॉपर ने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। अब लोग अब पूरा का पूरा जो मेला है यूट्यूब पे, ये लगने वाला है कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। दिस इज द टॉपर स्ट्रेटजी, हर कोई यही बताएगा, ये है टॉपर की स्ट्रेटजी, ये है टॉपर की स्ट्रेटजी, ये है टॉपर की स्ट्रेटजी। लगे रहेंगे थंबनेल वीडियोस और सब कुछ लेके पूरा का पूरा आप लोगों को समझाने में। लेकिन आप लोमड़ी हो कि शेर, बंदर हो कि व्हेल, शार्क, ये खुद डिसाइड करो। ये आपको पता है कि आप क्या हो। जो टॉप किया हो सकता है वो शेर हो, आप लोमड़ी हो। जो टॉप किया हो सकता है शार्क हो, आप शेर हो। आप क्या हो उसकी स्ट्रेटजी और आपकी स्ट्रेटजी में जो है जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। उसका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, आपका बैकग्राउंड अलग हो सकता है। आपने किस सर्कमस्टेंसेस में पढ़ाई करी, उसने किस सर्कमस्टेंसेस में पढ़ाई करी। आप कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे थे, उसने कितने दिनों से पढ़ाई किया। आपने किसी के बैकग्राउंड, आपने किसी का एफर्ट नहीं देखा ना, वो कितने दिन रात मेहनत कर रहा था, उसके घर में एसी था कि नहीं था, आपके घर में है कि नहीं है, उसके पेरेंटल कंडीशंस कैसे हैं, आपके पेरेंटल कंडीशंस कैसे हैं, फाइनेंशियल। वो कुछ भी बोलेगा, मैं 12 घंटे पढ़ता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, आप मानते हुए चले जाओगे और वही आंख मूंद के फॉलो करना शुरू करोगे। फिर से आप फेल होने की कंडीशन में पहुंच जाओगे, क्योंकि आप वो कर ही नहीं रहे हो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है।
अगर राहुल द्रविड़ को सहवाग की तरह खेलने को बोल दिया जाए तो राहुल द्रविड़ नहीं खेल पाएगा, और सहवाग को राहुल द्रविड़ की तरह रोकिंग डिफेंस करने को बोल दिया जाए तो शायद सहवाग भी नहीं खेल पाएगा। सो इसीलिए जो आपका स्किल है उसी स्किल पे रिलाई करो। दुनिया क्या कहती है, इस वक्त अगर टॉपर्स के स्ट्रेटजी पे भागोगे तो भागते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। अगेन 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जब जून या जुलाई में एग्जाम होगा, फिर से जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यही रहेगा जो अभी है। इसीलिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप सभी लोग पहले एक पेन और पेपर लेके वो लिखो कि आपने प्रीवियस ESR एग्जाम में गलतियां क्या करी, वो कौन कौन से बिगेस्ट मिस्टेक्स थे जो आपने पिछले CSR एग्जाम में करा। उन CSR एग्जाम्स उन पॉइंट्स को नोट डाउन करो कि मैंने जो है रिवीजन में लैग करा, मैंने जो है प्रैक्टिस में लैग करा, मेरी लैग्स कहाँ हैं, मेरे मिस्टेक्स कहाँ हैं। उन मिस्टेक्स को डे बाई डे इम्प्रूव करो। अगर आप ये काम करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप पिछले से बहुत ही बेहतर, और मे बी जो आप एक्सपेक्ट ना करो वो आपको निकल के आ जाए अगले एग्जाम में। लेकिन आप दूसरों की कॉपी करते फिरोगे तो शायद आपका बेस्ट नहीं निकल के आ पाए। क्योंकि इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, बी द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ रैदर देन बींग द सेकेंड वर्जन ऑफ एनीवन। किसी दूसरे की कॉपी करने की बजाय अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपको कॉपी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा पाया हूं कि अभी आपको क्या करना है। दुनिया में घूमना है, लोगों की स्ट्रैटेजी सुननी है, या खुद की स्ट्रैटेजी बना के अपने गलतियों को लिख के उसके आगे लग जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।